गगनयान मिशन का पहला ट्रायल आज है। गगनयान ट्रायल अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने से पहले इसरो अपने गगनयान मिशन का ट्रायल करने जा रहा है। यह ट्रायल आज शनिवार सुबह 8 बजे शुरू किया जाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक से एक कीर्तिमान रचने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक और करिश्मा करने जा रहा है। इसरो गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने वाला है। इसके लिए इसरो गगनयान मिशन की टेस्टिंग करने जा रहा है। गगनयान के जरिए 3 सदस्यीय दल को एक मिशन पर 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। यह मिशन 3 दिनों तक चलेगा और फिर क्रू मेंबर को सुरक्षित वापस धरती पर लाया जाएगा। इस मिशन की लैंडिंग समुद्र के में की जाएगी। यह ट्रायल कब शुरू किया जाएगा जानते हैं। गगनयान मिशन को पहले टेस्ट के लिए जिसकी अवधि 12 घंटे तक होगी, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित क्षेत्र में शुरू। इसरो ने कहा है कि ये छोटी अवधि के मिशन का प्रक्षेपण शनिवार सुबह 8 बजे प्रथम लॉन्च पैड से होगा और पूरा मिशन 531 सेकंड लगभग 9 मिनट तक चलेगा। यह उड़ान परीक्षण समग्र गगनयान कार्यक्रम एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी। आप इसको कहां पे देख पाएंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इसको आप इसरो के आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और इसको आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। इसका सीधा प्रसारण 8 बजे से किया जाएगा। कैसे की जा रही है टेस्टिंग? इसरो ने कहा है पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरने से लेकर श्रीहरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित समुद्र में पैराशूट की तैनाती के साथ क्रू मॉड्यूल उतरने तक का पूरा उड़ान क्रम 531 सेकंड तक चलेगा। इसरो के मुताबिक उड़ान भरने के लगभग 60 सेकंड बाद परीक्षण वाहन क्रू एस्केप सिस्टम के साथ 11.17 किमी की ऊंचाई पर वाहन से अलग हो जाएगा और अगले 30 सेकंड बाद CS 148.7 मीटर सेकंड के वेग से 16.7 किमी ऊंचाई पर अलग हो जाएगा। यह प्रक्रिया लगभग 9 मिनट में पूरी हो जाएगी।